हेलो, इस समय हम थंजावुर तमिलनाडु में हैं। सुबह के 10 बजे का टाइम है। अब सोचो कितना ज़्यादा ग्रॉस वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। हमें सुबह कायदे से 7:30 या 8 o'clock तक टेंपल विज़िट करने के लिए चले जाना चाहिए था, और दिन भर थंजावुर को थॉरली एक्सप्लोर करना था। और 10 बज गए और अभी भी हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, मतलब 10-15, 10-20 से पहले नहीं जा पाएंगे। एनीवेज बताता हूँ क्यों नहीं जा पाएंगे। उससे पहले ये एकोमोडेशन का व्यू देख लो। कल रात में हम यहीं पे रुके थे, तो रात को जब मैं पहुंचा था तब तो अंधेरा था। ऐसी एकोमोडेशन है तो यहाँ पर 2100 रुपये में हमने डबल ऑक्यूपेंसी रूम लिया। ये प्रॉपर्टी वैसे ओवरऑल ठीक है, लेकिन कन्याकुमारी और ये रामेश्वरम में हम रुके थे वो इससे फार बेटर प्रॉपर्टीज़ हैं। बट स्टिल दिस इज़ गुड, क्योंकि बजट एकोमोडेशन 2100 रुपये में आपको डबल ऑक्यूपेंसी रूम मिल गया, और क्या चाहिए आपको। अब बताता हूँ लेट होने का रीज़न क्या है। कैमरा पर्सन ने जो आना था हमारे को टाइम दिया था कि मैं 8-8:30 के बीच में आ जाऊंगा, तो हमें लगा चलो 8:30-8:45 करते करते टाइम निकल गया। ऊपर से एज ऑलवेज डेटा कॉपी वर्क ने समय हमारा भी खा लिया। अब बस 2 मिनट पहले पता लगा कि कैमरा पर्सन रिसेप्शन में आ गया, तो मैंने बोला कि मैं विद इन 5 मिनट्स आ रहा हूँ। तो मैं लैपटॉप को बंद करता हूँ और फिर अगले 10-15 मिनट में यहाँ से चलते हैं। आप इमेजिन करो, तमिलनाडु का पूरा टूर प्लान करके आप कन्याकुमारी पहुँचते हो। अपना प्राइमरी कैमरा जैसे ही आप बाहर निकालते हो कि शूट शुरू करें, तो मालूम चलता है कैमरा काम ही नहीं कर रहा। क्या करोगे? वही हमारे साथ हुआ। ये मैंने डिटेल में BTS एपिसोड में कवर किया, फिर भी आपको हल्का सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ। आज दिन की शुरुआत हो रही है इस खबर के साथ कि NX80 हमारा जो सोनी का कैमरा है ना, उसमें मेमोरी कार्ड रीड नहीं कर रहा। ये कैमरा हमारा प्राइमरी कैमरा है, इसी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अंदर मेमोरी कार्ड दोनों ट्राई कर लिए हैं, फिर हमने दूसरे A73 कैमरा में यूज़ करे, उसमें रीड कर रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट मेमोरी कार्ड, और ये फंसा हुआ है। इससे हमें यह भी मालूम चला कि आज के बाद हमारे पास ना दो प्राइमरी कैमरा होने चाहिए, ऐसा हमें काफी लोगों ने बोला। ऑलरेडी इतना सामान लेके चलते हैं और दो प्राइमरी कैमरा मतलब इन्वेस्टमेंट भी है और आपका एक एक्स्ट्रा गैजेट भी बढ़ जाता है, लेकिन सब लोग जो प्रोफेशनल लेवल पे शूट करते हैं ऐसा ही करते हैं। मंदिर का कॉपी हो रहा था, जैसे का सर हो गया कभी तो चेक कर लो। कहाँ पे है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? हफ्ते बीच में भाई क्या बात कर रहे हो, कहाँ पर दिखाओ। जो सब थंबनेल नहीं करी ना शो सारी चली नहीं रही है। किधर दिखाओ तो सही। ये सब थंबनेल शो नहीं ना कर रहे जो। हाँ ये करप्ट है। कौन सी वाली? 74। हाँ सर 74, अगर बीच में चलेगी तो बीच में ये मतलब रुक जाएगी। हम कराई को पहुंच गए हैं, हम कराई को। ये तो ठीक है फाइल, इससे नीचे वाली खराब है। हाँ जैसे ये, ओ गॉड। अरे ये तो कोई भी फाइल का रीड नहीं कर रही। अरे यार ये क्या चक्कर है, तो आधी फाइलें रीड हो रही हैं, आधी फाइलें रीड नहीं हो रही हैं। अपने पास टफ कार्ड कितने हैं टोटल? दो है ना। एक काम करो, अब मैं ना 10-5 हो गए सारे चक्कर में, अभी मैं इसमें नहीं लगता, अब इसको छोड़ते हैं, इसको रख लो कहीं पर, रात को देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल वो दो दो टफ कार्ड है ना अलग, वो आज यूज़ करते हैं। ठीक है सर। एक वो पर्सन आया उसके कार्ड कैमरे में डाल देंगे, एक इसमें इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। बताओ यार कितना बड़ा अनएक्सपेक्टेड। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मेमोरी कार्ड कॉपी करूं यहाँ पर और कुछ फाइलें रीड कर रही हैं कुछ नहीं कर रही, मतलब इसमें तो सारी फाइलें रीड कर रही हैं तो यहाँ रीड नहीं कर रही। अगेन क्या बोलते हैं, व्हाट अ ग्रॉस वेस्टेज ऑफ टाइम। ये सब काम उमेश भाई मेरे को अभी बोला, थोड़ी देर पहले बोला, सर यार काम आप रात को क्या करो, मतलब उठते सारे सबसे पहली लाइन बोली कि रात को करने से क्या आपको अगला पूरा दिन प्रॉपर मिलेगा। तो मैंने बोला रात को 12:10 पे तो मैं सोया हूँ, और जब मैं तब सोया हूँ जब मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गया था। मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे काम में सबसे बड़ा जो बॉटल नेक है ना, जिसको मुझे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, वो डेटा कॉपी का वर्क है। बाकी सब तो ठीक है, रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ है। और इसमें मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम तो हफ्ते में एक बार एपिसोड डालते हैं, जो बाकी यूट्यूबर्स व्लॉगिंग करते हैं और वो भी ट्रैवल करके व्लॉगिंग करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं वीक में 3 एपिसोड 2 एपिसोड समटाइम्स 3-3, 4-4 वीडियो आ रहे थे हफ्ते में, वो भी ट्रैवल करते करते, वो कैसे करते हैं? आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। हमारी दूसरी में जान निकल जाती है। मे भी शायद ये रीज़न है, थोड़ा ऑन अ लाइटर साइड बता रहा हूँ। होता क्या ना, बात कुछ एज की भी होती है। अभी मैं 49 ईयर ओल्ड हूँ, तो धीरे धीरे ना ऐसा लगता है कि आपका स्टैमिना लेवल भी कम हो जाता है। कोई एग्री करे ना करे, लेकिन रियलिटी यही है, हमको इस बात को मानना चाहिए। और मैंने पहले भी पास्ट में बताया कि स्टेमिना लेवल से मतलब है कि जब मैं गौमुख गया था, जब मेरी एज 33 थी, तो मैंने गंगोत्री से गौमुख आना जाना एक दिन में किया था। छोटी बात नहीं है।
और उसके बाद भी मैं इतना नहीं थका था कि डाइंग टू स्लीप, मतलब उतना था मेरे पास कि अगर मुझे कोई बोले कि 10 किलोमीटर रोज चल लो तो मैं चल लूँगा। और अब मैं जब दोबारा गोमुख गया था वीडियो बनाने के पर्पज से, तो वहाँ पहुँच कर मुझे लगा था मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ। अच्छा हो गया हम भोजवासा में रुके। तो ये खाली मैंने बात बताई कि स्टेमिना लेवल कम हो जाता है, आप उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं कर सकते एज यू प्रोग्रेस इन योर एज। चलो फिर मैंने आपको अनकॉल्ड, अनकॉल्ड मतलब ऐसे अपने मन की बात बताई। चलो अभी आपको मैं कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ और बाकी बिहाइंड द सीन एलिमेंट्स हमारे जो चल रहे होंगे वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब सामान इकट्ठा करते हैं जैसे पावर बैंक वगैरह, फिर चलते हैं ऐसे। Z150 दिस इज श्योर आपको उसमें आया होगा ना? लिख नहीं नहीं, बट तुम श्योर हो कि Z150 है ये? आपको शायद Z150 नहीं बोला था Z150, लेकिन मैं थोड़ी पहचानता हूँ, कहीं लिखा होगा ना कैमरे के ऊपर। कैमरा इज 4K, तो 4K सेटिंग इज नॉट कमिंग। ओके ओके वेटिंग बाय। बताओ एक तो इसमें यार, लेकिन अगर कैमरे में 4K है तो 2K कैसे होगा? होना चाहिए ना। फुल 4K नहीं, शिवा को नहीं पता? शिवा 4K हम 4K कल्पना नहीं नहीं, यू नो हाउ टू सेट फॉर 4K रिकॉर्डिंग? नो अरे எப்படி செக் பண்றதுன்னு கேக்குறா போகட்டா ஆ ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன்ல போய் இது பண்ண சொல்றாங்க. அத செக் பண்ணுங்க பா, செக் காமிங்க. எடுத்தத ப்ளே பண்ணனும். அந்த 4K செட்டிங்க காமிங்க. நீங்க இது உங்களுக்கு சொன்னாங்க இல்லையா? ஆ 4K समझते हो? हां समझ। मेरे को ये टेंपल छोड़ के आते हैं। दो ओरे निमिषम। तो आप ये थोड़ा करके रखो सारा। हाँ और कहीं अरे 10-15 मिनट लगेगा सॉर्ट आउट होने में, वहाँ पे भीड़ में एरिया में कहाँ करोगे? और जिससे मैंने बात की राजेश, उसका नंबर लिख के रखो, इंग्लिश में बात करता राजेश, इनके नंबर में सेव करो। ये राजेश का नंबर सेव करो, कहाँ है नंबर? ये नंबर लिखा नहीं। फिलहाल हमारे 2 माइक्रोफोन चल जाए 4K के अंदर तो हम आज के लिए सेटिस्फाइड है। हम सुबह टेम्पल विजिट करने गए, उसके बाद हमने पैलेस विजिट किया, वो सब आप ना वीज़ा टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल में देखोगे, इनफैक्ट आपने वीडियो देखा होगा। अब मैं ना जो थंजावुर पैलेस है वहाँ से 200 मीटर दूर चाय पीने के लिए आया हूँ। बेसिकली बाहर निकले तो हमें चाय का दुकान दिख गया। अदरक तेज है, बाकी चाय ओवरऑल ठीक है। यहाँ पर मेरे को राइट हैंड साइड पर एक टैंजोर आर्ट गैलरी दिख रही है और मेरे बगल में ये हैंडीक्राफ्ट का दुकान है, तो ये दो चीज़ें। और वैसे थंजावुर पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है। अब जो हमारे पास हाथ में टाइम है उसने समय में हम लोग पेंटिंग्स देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे मैं श्योर नहीं हूँ, मैं फिर भी कोशिश करूँगा। तो कुछ देर में मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ, प्लान आउट कर लेता हूँ आगे का टाइम कैसे बिताना है। थंजावुर के बारे में सोचते ही जो मुझे 4 या 5 चीज़ें सबसे पहले माइंड में आती हैं ना, उनमें से एक है थंजावुर आर्ट। यहाँ की पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, सामने लिखा है ना आर्ट विलेज, तो यहीं पर हम थंजावुर पेंटिंग देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमें रेफरेंस मिल गया कि आप यहाँ जाके पेंटिंग देख सकते हैं। और लोकेशन मैं कहाँ खड़ा हूँ? श्री बृहदेश्वरा टेम्पल के बैक साइड में। मैं ना शॉप के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर पेंटिंग सेल भी होती हैं और बनाई भी जाती हैं। तो मिस्टर राजन हमारे साथ हैं, तो इफ़ आई से समथिंग रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दिस पेंटिंग वर्क एक्चुअली वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द चोला पीरियड, दैट इज 1000 ईयर बैक। देन नायक्स केम, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पेंटिंग वर्क। आफ्टर दैट सरफोजी महाराज केम, मराठा किंग, ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। और सरफोजी महाराज जो मराठा किंग है उनका तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो खुद भी आर्ट लवर थे, खुद भी पेंटिंग किया करते थे, तो लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। किसी भी आप पेंटिंग को देखेंगे उसमें गोल्ड की एम्बॉसिंग है सब में, आपको दिख रहा होगा ना। कैन यू शो दैट पेंटिंग विच यू जस्ट शोड मी? जैसे वो सामने वाला पेंटिंग में बता रहे हैं 22 कैरेट है, 18 कैरेट है। एक चीज़ और यूनिक है, जो कलर्स इस्तेमाल करते हैं ये 100% नेचुरल कलर्स आज से 1000 साल पहले भी थे, और आज की डेट में भी 100% नेचुरल कलर्स ही इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड यूनिक फीचर अबाउट मैनी ऑफ सच पेंटिंग इज, आई विल शो यू सर दिस सीशेल। काफ़ी बार क्या करते हैं ये सीशेल्स है ना, तो सीशेल्स को ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है, और चूने के साथ इसको मिक्स करते हैं, ये देखो, और ये पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं।
तो 100% पेंटिंग्स में सीशेल एंड लाइम और सम पेंटिंग्स ज्यादा ये यूज करता था, और इमली का ये ना पेस्ट वही यूज करता है। अच्छा। बाजी में साइड पे इमली पेस्ट है। इमली पेस्ट है ना, फैंटास्टिक। इधर ये यूज करता था। फैंटास्टिक। तो अभी हम समझ गए हैं ये इमली का पेस्ट है, और बाकी जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनको ये इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग करने के लिए। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। जस्ट फॉर आइडिया, कॉस्ट 1 or 2 पेंटिंग्स कॉस्ट हाउ मच? कॉस्ट दिस वन विद फ्रेम 5500। 5500 विद फ्रेम? या सो दिस इज व्हाट, 18 कैरेट? 18 कैरेट। ओके दिस इज 22 कैरेट। ओके दिस इज 11000 विद फ्रेम। ओके दिस इज 22 कैरेट ऑल 55000 55 ईच वन। फैंटास्टिक। 55000 रुपीस। तो डेफिनेटली बिकॉज़ ऑफ द गोल्ड द कॉस्ट इज वेरी हाई। या ओके हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेक वन फुल पेंटिंग? दिस पेंटिंग मेकिंग टाइम ड्यूरेशन 15 डेज। 15 डेज टू मेक वन पेंटिंग। वन पेंटिंग। दिस इज वेरी गुड। ओके सो वेयर डू वी सी ब्रोंज? बैक साइड प्लीज। नाउ सो व्हाट आर दिस पंच धातु? जिंक, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा ग्रेट। सो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेक अ स्कल्पचर लाइक दिस? दिस इज 6 मंथ। इट टेक्स मेकिंग टाइम हाउ मच? 6 मंथ। दिस टेक्स 6 मंथ्स? या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग? दिस 6 लाख। दिस कॉस्ट 6 लाख रुपीस? या इंटरेस्टिंग। Wax statue covered by Kaveri bank. I noticed you were doing this, na? Yes. So wax statue covered with Kaveri bank sand. Okay. Then what do you do? Like this. And we put it in the wax, mold it. We put it into sunlight 24 hours. Okay. So after 24 hours, it becomes like this. Yes. So what is the purpose of this hole? Because this is this hole, what purpose means, we put it into the fire furnace. Heat it. Where is, where is the furnace? This is a furnace. Okay, okay. Cow bang and charcoal. Okay. We put heat into the hole, wax comes out. I imagine inside the print. There's a print inside, okay. Yes, and we using magnesium clay bowl. Okay. It comes from Salem. Okay. This is 1500 degree Celsius. It is a magnesium clay bowl. It's 1500 degree Celsius. We put it into the fine metal. Okay. Copper. Yeah. Tin. Zinc. Little gold, little silver. Because the gold and silver are very expensive. So we using little. Thereafter, we put it into the bowl, into the furnace. Okay. We heat it. That is a fine metal liquid, panchatadu. Okay. And then you will, the melted yes, form. Yes, melted form of liquid. You will pour into that. We pour into the. This is a wax released print. Wax released, but imagine inside the print. Okay, you will put it from here. We pour into the. Five metal liquid into the this part. So this complete process is working actually at a very high degree temperature. Yes. Oh, that's like 1500 degree Celsius temperature. You pour it like this. Yes. And then it will take the shape of the whatever the shape is. Then we put it breaking into like this rough bronze comes. Now we have got a fair idea. What is the approximate price? 22,000. Approximately 22,000. And we using nakas work also, like tools this. This is a nakas work. We using a polishing and sizzling. Only we are using hand only, not machine. The Chola statue always a smiling face, not aggressive. Okay. Now I think I have understood the process, how you make this, and this is something completely new for me. Yes. So, I am happy that you explained us with this process, and obviously we saw the paintings outside through his help, and yeah, you were also here, thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Where should I keep this? Yes. Where should I keep this? Okay, great.
सो वी विल टेक लीव. ठीक है, नाइस मीटिंग यू. थैंक यू. थैंक्स. थैंक्स. थैंक यू. बाय. थंजावुर में डिनर करने के लिए हम ओल्ड या फेमस ईटरी स्काउट कर रहे थे, तो हमें पता चला कि टेंपल की बैक साइड में कॉफ़ी पैलेस है. पूछते पूछते हम लोग नालुकल मंडपम तक तो पहुंच गए हैं. कॉफ़ी पैलेस भी हमें दिख चुका है. अब चलिए अंदर चल के डिनर करेंगे. थोड़ी सी हैरानगी हो रही है, जैसे ये ईटरी बहुत ज़्यादा फेमस है ऐसा बताया गया, तो उस हिसाब से कस्टमर्स नहीं दिख रहे इस समय. आइटम्स की रेंज बड़ी ज़्यादा लिमिटेड है, ऐसा आके मालूम चला कि इडली मिल जाती है और डोसा में दो तीन वैरायटी मिल जाती है, मतलब ज़्यादा वैरायटी नहीं है. फूड जॉइंट पुराना है, वो तो मेरे को रेफरेंस देने वाले ने बताया था कि काफ़ी पुराना ये इटरी है. कॉफ़ी अच्छी खासी स्ट्रांग है, ऐसा किसी को नींद आ रही हो ना कॉफ़ी पी के नींद भाग जाएगी, इतनी स्ट्रांग कॉफ़ी है. गुड. मुझे ना अभी मालूम चला है कि यही कॉफ़ी पैलेस का एक और ब्रांच है जो शायद इससे भी ज़्यादा ओल्ड है. ज़्यादा ओल्ड है या वो तो नहीं पता मुझे इतना डिटेल में, लेकिन इतना मालूम चला है कि वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है. तो एक काम करता हूँ, जब यहाँ हम आ ही गए हैं, यहाँ से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर वो शॉप है, तो वहाँ चल के एक डोसा खा लेते हैं. कम से कम इसी बहाने वो शॉप ही देख लेंगे. चलो जी. हाउ मच? 55 रुपीस. थैंक यू. थैंक यू. अच्छा कॉफ़ी पैलेस के हम दूसरे होटल में आ गए हैं. ये ना मेन रोड के पास ही है, तो टेंपल अभी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है. और जिस स्ट्रीट में मैं खड़ा हूँ इसका नाम है मेला वीडी, MELA V for Victory D for Delhi. ये आप होटल देख लीजिए, बाहर से 1976 वहाँ पे भी लिखा था, ये भी है. और ये होटल में वैरायटी हमको ज़्यादा मिलेगी ऐसा बताया गया. आइए जी. यहाँ पर आने के बाद ना ओनर तो अभी अवेलेबल नहीं थे. मैंने स्टाफ से रिक्वेस्ट करी मैं किचन देखना चाहता हूँ, तो मेरे को दिखाने लेकर गए. जो चीज़ मैंने सबसे पहले नोटिस करी, इनकी सब्जियाँ और मेन जो फूड आइटम होती है वो वुड फायर पे तैयार करते हैं. गजब है ना. और किचन अच्छा खासा साइज़ में बड़ा है, जितना रेस्टोरेंट बड़ा है इससे आई थिंक 3 times बड़ा किचन होगा. और पुरानी ईटरी है तो हमने देख लिया. आप पहले कभी आए हो यहाँ पर? एक बार आया सर. एक बार आए, बहुत फेमस है तो. हाँ, फूड भी अच्छा रहता है. फूड अच्छा है ना. अभी आ गया ना. ग्रेट. थैंक यू. घी रवा मसाला डोसा. हाँ, मैंने यही मंगाया था. वेरी गुड. वेरी गुड. तो ये देखो जी, आलू के साथ साथ ना नारियल. और यहाँ का ना ये रवा मसाला डोसा फेमस है ऐसा मुझको मालूम चला था. टोमेटो चटनी. वेरी गुड. कोकोनट चटनी. ओके. वेरी वेरी टेस्टी भाई साहब. देखो घी रवा मसाला डोसा तो जगह जगह मिलता है, लेकिन आप तमिलनाडु में, थैंक यू, तमिलनाडु में ऐसी जगह आके खा रहे हो, मतलब ऐसी इटरी में खा रहे हो जिसका फेमस आइटम है ये, तो टेस्ट में फ़र्क है और मज़ेदार है. जीरा अच्छा खासा है. बेसिकली रवा मसाला डोसा के अंदर रवा के अलावा चावल
और मैदा इस्तेमाल करते हैं, मैदा थोड़ा कम रहता है और चावल ज़्यादा, फिर नंबर टू पे रवा, नंबर थ्री पे मैदा। बहुत क्रिस्प टेस्ट में क्रिस्पीनेस है और चटनी में फ्रेशनेस है, कुल मिला के टेस्ट में फुल ऑन ऑथेंटिसिटी है, लवली। बाइट बाय बाइट टेस्ट बढ़ते जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। सीरियसली मैं ये बोल सकता हूँ जो टेस्ट यहाँ पे आ रहा है ना, ऐसा टेस्ट तो मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। नंबर वन गजब, शब्द कम पड़ जाएंगे इस डोसे की तारीफ में। क्या सांभर का स्वाद है, गजब। मैंने इनसे बात कर रहा था, डायरेक्ट बात तो नहीं कर पा रहा था लैंग्वेज की वजह से, तो मैंने इनको इन्वॉल्व किया एंथनी भाई को कि इनसे पूछो सांभर में क्या डालते हैं। तो इन्होंने बताया जी सांभर में ये लोग प्याज डालते हैं छोटे वाला। पिछले चार दिन में मैंने सेम सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा, सब ने बोला हम छोटा प्याज डालते हैं। मैं बार बार ना एक ही चीज़ बार बार पूछता रहता हूँ जिससे मेरे को पता लगता रहे हर शहर का क्या हिसाब किताब है। और इसके अंदर इन्होंने गार्लिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, गार्लिक इसके अंदर है चटनी के अंदर, ठीक है। और सांभर के अंदर इतना मस्त स्वाद आ रहा है, मतलब हींग का फ्लेवर होता है ना, एक जेन्युइन हींग का फ्लेवर, वो सांभर के अंदर है। वेजिटेबल्स नहीं है, वेजिटेबल्स लंच के सांभर में रहती हैं। ये हर तरफ ऐसा होता है क्या? हाँ। ऐसा सांभर होता है डिनर वाला, उसमें वेजिस नहीं होते, केरला में तो रहता है लंच में भी डिनर में भी। उधर सुबह के टाइम नहीं रहता है, दोपहर का मील्स के और रात के समय सब्जी रहता है। बराबर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, आज का एपिसोड हम यहीं पे फिनिश करते हैं, 15-20 मिनट लगा के अपना फूड फिनिश करेंगे। हमको कल ट्रिची जाना है और हो सकेगा तो कल मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इधर ही आ जाऊँगा, कोशिश करूँगा मैं सुबह आऊँ यहाँ पे, राइट। फिलहाल आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।